हाय गाइस, आई एम श्रद्धा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है समर मास्क। तो मतलब कि आप गर्मियों में अपनी स्किन को धूप से कैसे बचा सकते हैं। सो इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। वैसे मैंने बताया था उस वीडियो में कि मुझे बहुत सारे उसमें मास्क दिखे, लेकिन मुझे वो पसंद आया तो मैंने वो बनाया। सो अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे मेंशन कर देती हूँ, आप वहाँ से जाके मेरा पहले वो वीडियो देखिए। सो उसमें मैंने नींबू यूज़ किया था। उसके बाद मुझे ये लगा कि बहुत से लोगों को नींबू सूट नहीं भी करता है, तो वो अपनी स्किन को कैसे बचाए धूप से, धूल से, प्रदूषण से, स्पेशली सूरज की किरणों से। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है कि गर्मियों में अपनी स्किन को कैसे बचाया जाए धूप से। सो इन सारे टॉपिक्स पे, मतलब इस टॉपिक पे मेरा बहुत सारा उसमें मास्क था। सो मुझे दो पसंद आया, मुझे मतलब दो पसंद आया उसमें था तीन, इसमें से दो सही, इसमें से दो में नींबू यूज़ हुआ था और एक में नहीं। तो एक मैंने नींबू वाला बना लिया और इसमें नींबू आपको यूज़ नहीं करना है। सो अगर आपको नींबू से कोई एलर्जी है या अगर आप नींबू यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं तो आप ये वाला भी मास्क ट्राई कर सकते हैं। और ये स्पेशली कील मुहासों के लिए भी है। अगर आपको मुहासों की प्रॉब्लम है, स्पेशली मुहासों की प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम में इन दोनों मास्क को ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। स्पेशली ये वाले मास्क को मुहासों में आप ट्राई कर सकते हैं। और तो इसको बनाना भी कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको भी आप बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा आपका, वो सब कुछ आपके पास ही अवेलेबल होगा। तो पहले देख लेते हैं कि उसमें हमें चाहिए क्या क्या। तो ये है मेरा टमाटर का जूस और ये है मेरा मुल्तानी मिट्टी। आप चाहें तो कोई खड़ी मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये वाला है तो मैं यही यूज़ करूँगी। तो बस आप इन दो चीज़ों से ही अपने आप को बचा सकते हैं। सो पहले बात कर लेते हैं टमाटर की। तो आपको टमाटर वो जो ग्रीन होता है, येलो होता है, वो वाला आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल लाल टमाटर चाहिए, उसमें से आपको ज़्यादा जूस मिलेगा, तो आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। और जो येलो ग्रीन होता है उसमें ज़्यादा जूस भी नहीं मिलेगा और वो ज़्यादा मतलब फ़ायदा भी नहीं करेगा, करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा। तो आपको बिल्कुल लाल टमाटर चाहिए, उसका जूस निकालना है आपको। तो टमाटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, वो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा सूरज की किरणों से। मुल्तानी मिट्टी भी हमारे स्किन को बहुत ही ठंडा बनाए रखता है। आप जब इसको लगाएंगे तो आपको बहुत ही ठंडा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। मुल्तानी मिट्टी ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब अगर आपकी स्किन थोड़ी डार्कनेस है, आपका स्किन थोड़ा डार्क है, तो उसमें भी वो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, मतलब कि आपकी ग्लोइंग स्किन करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो टमाटर से आप सूरज की किरणों से बच सकते हैं। और अगर आपकी स्किन टोन डार्क हो रहा है तो आप उसमें भी आपकी हेल्प करेगा वो मुल्तानी मिट्टी। तो गर्मियों में कुछ लोगों की आदत होती है बार बार फेस वॉश करने की, जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। देखो, आप अपना चेहरा धुलते हैं और एक और गलती करते हैं कि फेस वॉश करने के बाद कोई सनस्क्रीन भी यूज़ नहीं करते हैं, ये सोच के कि पसीना होगा और ये बह जाएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको भी ऐसी आदत है तो आप इस आदत को बिल्कुल छोड़ दीजिए। बार बार चेहरा धुलने से पसीना कम नहीं होगा, गर्मी है तो पसीना होगा ही। और अगर आपको चेहरा धुलने की आदत है ही तो आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करिए। देखो, मेरी बात सुनो, आप अपना चेहरा धुलते हैं, आपके पोर्स ओपन होते हैं, फिर आप धूप में जाएंगे तो सनलाइट सीधे आपके ओपन पोर्स में जाएगी और धीरे धीरे करके आपकी स्किन टोन डार्क होने लगेगी। तो अगर आपको ऐसी आदत है बार बार चेहरा धुलने की, तो आप बिना कोई भी सनस्क्रीन यूज़ किए बाहर मत जाइए। अभी घर में भी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है चेहरा धुल के, अब घर में भी है तो कोई सनस्क्रीन यूज़ कर लीजिए, क्योंकि धूल और पानी दो चीज़ें ऐसी होती है ना कि कहीं भी पहुंच जाती है। अगर आप घर में भी हैं तो वहाँ पे भी धूल पहुंच जाएगा और आपकी स्किन तो धीरे धीरे करके डार्क होने लगेगी। तो आपको चेहरा धुलना है, धुलने के बाद आपको सनस्क्रीन या फिर कोई भी क्रीम आपको ज़रूर यूज़ करनी है, उससे आपकी स्किन तो बिल्कुल भी डार्क होगी, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट होगी। सो आप देखते हैं कि इस मास्क में, तो ये है मेरा टमाटर का रस और अब मैं डालूँगी इसमें एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। फिलहाल मैं नहीं ले रही हूँ और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मेरा चेहरा मैंने पहले से धुल लिया है और हम इसको अपने चेहरे पे लगाएंगे। आपको उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक मेरा हो ही गया है बस, तो ये मेरा मिक्स हो चुका है और अब हम इसको ब्रश की मदद से अपने चेहरे पर लगाएंगे। तो मैंने पहले भी बताया है, जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल है वो जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्रश में कंफर्टेबल हूँ, मैं ब्रश नहीं लगाने शुरू करते हैं।
अपने पूरे चेहरे पे लगा लिया है। अब जब आपकी बोलती बंद हो जाएगी तो आप इसको अपने चेहरे से हटा लीजिएगा। तो मैं इसके सूखने का वेट करती हूँ, लगभग कि सूख ही रहा है। इसके सूखने का कुछ भी कर सकते हैं अपने घर में। तो सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद आपको इसको वॉश कर लेना। तो मैं वॉश करके दिखाती हूँ कि मेरा फेस अब कैसा दिखा। तो फेस वॉश करने के बाद मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिला है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो रिज़ल्ट आपने देख ही लिया कि कितना बढ़िया आया है इससे। वैसे मुझे चेहरे पे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ मुझे ब्लैकहेड्स की ही प्रॉब्लम होती है। और तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता कि मुहासे हैं या धूप से तो प्रॉब्लम होती ही है, सबको होती है, लेकिन मुझे ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है मेरे फेस पर सिवाय ब्लैकहेड्स के, बहुत ही सिद्धी ब्लैकहेड्स। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके वो भी देख लीजिएगा। सो गर्मियों में आप इस तरीके से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये मास्क सूट नहीं करे तो आप वो वाला ट्राई कर लीजिए, और अगर वो सूट नहीं करे तो ये ट्राई कर लीजिए, जो आपको पसंद हो आपको कर सकते हैं। मुझे तो दोनों ही सूट किया, मुझे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छी स्किन है मेरी। तो अब मैं चलती हूँ, और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। ओके बाय।